हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आपका स्वागत मेरे एक और नए ब्लॉग में और एक खूबसूरत रेल यात्रा में। और सो गाइस, इस टाइम हम लोग हैं उत्तराखंड के देहरादून रेलवे स्टेशन में, जैसा कि बैक साइड में देख सकते हैं देहरादून रेलवे स्टेशन। और सो गाइस, यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार। पहले सोचे हैं कि बस उससे चलते हैं, फिर देखा तो एक ट्रेन थी, तो हमने सोचा कि ट्रेन से ही चलते हैं, क्योंकि रूट भी काफ़ी अच्छा है इधर उत्तराखंड का, तो रूट भी एक्सप्लोर हो जाएगा एकदम बढ़िया बढ़िया माउंटेन फॉरेस्ट, और अपनी ट्रेन जर्नी भी हो जाएगी। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, आपको ट्रेन बताते हैं ट्रेन कौन सी है। तब तक ये देहरादून रेलवे स्टेशन देख लीजिए, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ और बताएंगे इसके बारे में, अंदर चल के देहरादून रेलवे स्टेशन के बारे में, बाहर का कुछ व्यू ऐसा है, मस्त रेलवे स्टेशन एकदम। चलिए चलते हैं अंदर। तो वाइज फाइनल में आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और ये पीछे अपनी ट्रेन लगी है 04374 देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन, जिसमें हम लोग जर्नी करेंगे हरिद्वार तक, और अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत व्यू देखेंगे उत्तराखंड के। तो जर्नी बने रहिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो हम बोल रहे थे कि स्टेशन पे आके बताएंगे, वो आपको बताते हैं अब हम। सो गाइस देखिए, ये चीज़ हम बताने वाले थे देहरादून रेलवे स्टेशन के बारे में, कि ये रेलवे स्टेशन टर्मिनल पॉइंट भी है। आगे देख रहे हैं लाइन क्लोज है, मतलब कि लास्ट स्टेशन है इस रूट का, मतलब कि देहरादून। वैसे तो योगनगरी इसी केस भी उत्तराखंड का लास्ट स्टेशन है, और ये देहरादून टर्मिनल भी लास्ट स्टेशन है। और इधर कुछ दो तीन लाइन वॉशिंग फिट की बनी हुई हैं, जैसे ये बगल नंदा देवी खड़ी है, और इधर सुबेदारगंज काठगोदाम खड़ी है, और सामने ये अपनी ट्रेन खड़ी है, और ये वाराणसी देहरादून जनता एक्सप्रेस खड़ी है बस। और उधर शहर है पूरा, और यहाँ पर अपनी लाइन बंद हो गई है। ऐसा प्लेटफॉर्म देखने में मज़ा आता है। और सो गाइस, काफ़ी मतलब कि देहरादून में छोटा रेलवे स्टेशन है, बस 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और इसी में बीच में देख रहे हैं वॉशिंग लाइन भी बना हुआ है, जैसे हर स्टेशनों पे दूर थोड़ा हट के बना रहता है ना, बट यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत है, तो इस वजह से एक ही हो गया, वैसे एक नंबर है। तो चलिए अब जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30, और अपनी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है 7:45। चलते हैं। तो वाइज फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है देहरादून टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। बाय बाय देहरादून। सामने लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में लगा हुआ है वेब 7, देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन में भी वेब 7 लोकोमोटिव लग रहा है। तो सो गाइस, 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर अपनी पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट हारा वाला, जिसका स्टेशन कोड है HRW। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है, और यह रेलवे स्टेशन भी मात्र 1 प्लेटफॉर्म का ही है। और देख सकते हैं काफ़ी छोटा प्लेटफॉर्म है, देख रहे हैं ना, इधर ग्रीनरी और एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन। और सो गाइस, इसी हरा वाला रेलवे स्टेशन कोई ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। वेब 5 लोकोमोटिव तो लगा हुआ है गाजियाबाद सेट का, देखते हैं ट्रेन कौन सी है।
मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून, जो कि दिल्ली से आ रही है देहरादून तक, जाएगी मतलब एक ही स्टेशन और आगे तक। तो गाइस फाइनली मिल चुकी है हरावाला रेलवे स्टेशन से। देखिए डिपार्चर हरावाला। देखिए भाई साहब बगल बगल से ग्रीनरी निकल रही है। वाओ नाइस ब्यूटीफुल। नई व्यू उधर से आपको दिखाते हैं कर्व। अब सामने नीचे से रिवर फ्लो हो रही है। करने से पहले ही हमने बोला था कि बहुत ही अच्छा मतलब व्यू आने वाला है और आपने भी थोड़ा बहुत व्यू देख लिया होगा, तो अब और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यू आने वाले हैं, तो एकदम तैयार हो जाइए व्यू देखने के लिए। टनल भी आने वाले हैं तो टनल का भी मज़े लेंगे। भाई 19 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी ट्रेन पहुँच चुके हैं अपने सेकंड हॉल डोई वाला, जिसका स्टेशन कोड है DWO। हम लोग ट्रेन के यहाँ पर भी मात्र एक मिनट का हॉल्ट है और यह रेलवे स्टेशन बात करें ना तो दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और दिन भर में मात्र बस 8 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और यह आता है नॉर्दर्न रेलवे में डिवीज़न अपना है मुरादाबाद। और सो गाइस देखिए कितना छोटा सी भी रेलवे स्टेशन है, बगल में ग्रीनरी और सिग्नल हो गया भाई साहब। यार सर फ्लैग भी दिखा रहे हैं। चलिए ट्रेन रवाना हो गई डोई वाला से। यहाँ पे देखिए स्टेशन के एंट्रेंस पे बढ़िया गमले उमले सजा के रखे हैं, बढ़िया लग रहा है एकदम। ऐसा रेलवे स्टेशन सही लगता है। चलिए यहाँ से भी निकल गई अपनी ट्रेन।
भाई ये देखिए इधर कौन सी ट्रेन खड़ी है। WFP 7 है लुधियाना सेट का। देहरादून अमृतसर है। क्रॉसिंग हुआ है इसका। जो वाला रूट है ना पूरा तरीके से देहरादून से लेकर हरिद्वार तक चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस बीच यहाँ पे ना सिम का नेटवर्क चला जाता है भाई साहब। चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, इस टाइम तो मानसून है तो और काफ़ी अच्छा ग्रीनरी लग रहा है। देख रहे हैं तो भाई यहाँ का जंगल देख रहे हैं इतना डेंस है। सामने देखिए कर्व अपनी ट्रेन भी ले रही है। फाइनल ट्रेन पहुंच रही है मोतीचूर रेलवे स्टेशन पे। भाई सब व्यू देखे रेलवे स्टेशन का। सामने कोई सी ट्रेन खड़ी है फिर से, क्योंकि इधर सिंगल लाइन है ना तो क्रॉसिंग देना पड़ता है, इसलिए हर जगह ट्रेन हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें लगा है गुड्स ट्रेन का लोकोमोटिव WAG 9 और ट्रेन है ये कौन सी है, उदयपुर सिटी योग नगरी ऋषिकेश। योग नगरी ऋषिकेश भी लास्ट स्टेशन है उत्तराखंड का। नहीं नहीं हरिद्वार नहीं है, इसके आगे। सो गाइस देखिए मोतीचूर रेलवे स्टेशन मोतीचूर है ये। और सामने देखिए ये ओवरब्रिज की वजह से माउंटेन नहीं दिख रहा है ना, नहीं सामने माउंटेन है ये देखिए। अभी डिपार्चर टाइम आपको दिखवाएंगे। फाइनली अपनी ट्रेन रवाना हो चुकी है मोतीचूर रेलवे स्टेशन से और बस थोड़ा सा और ट्रेन आगे निकलने दीजिए। भाई साहब इसका जनरेटर कार सुनने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन का, भाई साहब सामने माउंटेन। तो जो सामने आपको माउंटेन देखने को मिल रहा है ना, माउंटेन के अंदर है टनल, टनल में से तो टनल भी देखने के लिए तैयार हो जाइए। आपको टनल में से अपनी ट्रेन निकलती है तो आ गया टनल, देख रहे हैं ना। फर्स्ट टनल से निकले, सेकंड टनल।
फाइनल में पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि हरिद्वार। और हम लोग की जर्नी थी यहीं तक, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों को जर्नी कैसी लगी देहरादून से हरिद्वार तक, जो घाट सेक्शन थे आपने माउंटेन टनल देखे, कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नए धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक करते हैं ब्लॉग को ये पेंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।